निशांत भाई, एक एल्बम, बहुत सारी कहानियाँ जो मैंने आज तक किसी को भी नहीं बताई, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने अकेले फेस की। लाइफ बहुत टफ है, मैं जो फील करता हूँ मैं वही गाता हूँ। जो सिचुएशंस होती हैं मेरे साथ, मैं बहुत टाइम से चुप था, सबको लग रहा था उसका टाइम हो गया, ये गया। लोग अपने गाने शेयर करवाते हैं सबसे, मैंने आज तक कभी किसी को लिंक विंक शेयर नहीं किया, जो कि अपने दम पे किया, ये चैनल स्टार्ट किया। वो लोग मुझे बोलते हैं स्टूडियो में गाने बनाओ, स्टूडियो में जाओ। मैं स्टार्टिंग से अपने गाने फ़ोन से बना रहा हूँ, नॉर्मल ईयरफोन से रिकॉर्ड करता हूँ सब कुछ। स्टिल हेट बहुत मिलती है, बहुत हेट। सपोर्ट करने वाला कोई नहीं होता, जो मैं आज अकेले हूँ कर रहा हूँ, जब तक कर पाऊँगा मैं। मुझे नहीं पता लाइफ कहाँ लेके जा रही है मुझे, लाइक क्या होगा मेरे साथ। हेट करने वाले ज़्यादा हैं, प्यार करने वाले बहुत कम। प्यार करने वालों में सिर्फ माँ बाप हैं, रेस्ट तो दुनिया सड़ती है मेरे से। मैं रहूँ या ना रहूँ मुझे नहीं पता, बट मेरे गाने हमेशा रहेंगे। बहुत सारा अनरिलीज्ड स्टफ है जो मैंने आज तक नहीं निकाला, बहुत कुछ चीज़ें हैं जो मैं बना के रखता रहता हूँ। मुझे नहीं पता मेरे साथ कल क्या हो जाएगा, बस लाइफ यही है दोस्त। एक चीज़ सीखी है मैंने जो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, भरोसा कभी भी किसी पे मत करो, भरोसा हमेशा अपने ऊपर करो। तुम्हें नहीं पता कौन सा बंदा कब पलट जाएगा, कब सिचुएशन ऐसी आ जाएगी कि पूरी दुनिया तुम्हारी अगेंस्ट हो जाएगी। सो इट्स बेटर कि हम अपने ऊपर भरोसा रखें और किसी पर भी नहीं। लाइफ बहुत टफ है और हमें से जीना आना चाहिए। हेट सबको मिलती है, मुझे डेली मिलती है, डेली। मुझे नहीं पता, बट मैं निशांत एके डैरो ड्रग्स ये ऐलान करता हूँ, जब तक जैसे भी जहाँ तक मेरे से पॉसिबल होगा, मैं अपनी कहानियाँ, मैं अपनी स्टोरीज या जो भी मेरी आइडियोलॉजी है मैं अपने गाने के थ्रू बताऊँगा एंड करता रहूँगा जब तक हो पाएगा। हार नहीं मानेंगे हम लोग, कभी नहीं मानेंगे यार। जो मेरे कुछ ओजीज हैं, जिन्हें मैं रियल ओजीज मानता हूँ, जिनसे मैंने सीखा है, जैसे टूपाक, बिगी, निप्सी, अभी रिसेंट में लाइक पॉप स्मोक, मुझे बहुत इंस्पायर करता है, बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है। अभी रिसेंट में इंडिया में लाइक लेजेंडरी सिद्धू मूसे वाला, लाइक मैं बहुत रोया था भाई के जाने पर। वो पूरा दिन मैं डिस्टर्ब रहा था, मेरा बर्थडे आता है 12 मई को एंड उसके जस्ट लाइक 10-15 दिन बाद लाइक 29 को ही डाइड। तो लाइफ का कुछ भरोसा नहीं होता कौन कब चला जाए, इसलिए हर मोमेंट को खुल के जीना चाहिए। मेरे एक लाइफ का रूल है जो मैं चाहता हूँ आप सब फॉलो करो, फक पास्ट, लिव इन प्रेजेंट एंड डोंट केयर अबाउट फ्यूचर।